Hi guys, I'm Professor Narayan Nile from Bhagyaved Academy. Today we want to go about the topic Economics, Class 10th, SST, Lesson Number 1. The name of the lesson is Development. Friend, you know very well what is meant by development. चलो मैंने कार ली, बंगला बना लिया, मतलब मेरी development हो गई. Such kind of tendency in the society. तो आज इस प्रकार के समाज में क्या है? एक tendency बन गई है. तो yes. तो मटेरियल थिंग्स अचीव कर लिया, मतलब मेरे घर में सोफे है, टीवी है, ग्राइंडर है, मिक्सर है, मतलब सब कुछ मैंने मटेरियल थिंग्स लाई है, तो आई एम गोइंग टू डेवलप. तो मैं डेवलप हो गया क्या? तो नहीं फ्रेंड, उससे भी बहुत कुछ चीजें नीडेड है हमारे लाइफ के लिए. चलो देखते हैं. डेवलपमेंट इज द सम, डेवलपमेंट एक सम है टोटल ऑफ इनकम, मतलब मैंने कितना इनकम किया, प्लस क्वालिटी ऑफ लाइफ मैं जी रहा हूं कि नहीं. व्हाट इज माय क्वालिटी ऑफ लाइफ? जिंदगी तो सब जीते हैं फ्रेंड, बट हर एक के जिंदगी जीने में क्या है, फर्क है. कुछ लोग एकदम पुअरिटी जिंदगी जीते हैं और कुछ लोग एडजस्टमेंट करते हैं और कुछ लोग एकदम अलीशान जिंदगी जीते हैं. तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जिंदगी जीना चाहिए, ऊपर से इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए. देखो हर कोई हो, कोई लेबर क्यों ना हो, कोई वर्कर क्यों ना हो, बट ट्रीटमेंट सबको क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो फिर डेवलपमेंट हो रही है. फ्रीडम है क्या सबको? तो यस, फ्रीडम शुड बी देयर, सिक्योरिटी शुड बी देयर, एवरी पर्सन मस्ट हैव अ सिक्योर इन द वर्ल्ड. ये जो हर एक कंट्री में हर एक पर्सन क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए. यदि वो सिक्योर है तो मेरे हिसाब से वो डेवलप्ड है. यदि उसका फ्रीडम है तो डेवलप्ड है. उसका यदि सब लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो डेवलप्ड है. और यदि हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, मेरे पास ट्रिमेंडस इनकम है बट मुझे फ्रीडम नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, तो कैन आई बी डेवलप्ड? तो नो, आई विल नॉट डेवलप्ड. तो मैं डेवलप्ड नहीं हूं. तो ये हो गया डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट या डेफिनेशन मैंने आपको बता दी. डिफरेंट पीपल हैव अ डिफरेंट गोल्स इन लाइफ. देखो हर एक पीपल का हर एक गोल होता है और हर एक पीपल का एक डिफरेंट गोल होता है. जैसे कि एक लेबर का गोल होता है टू अर्न मोर इनकम, टू मोर वेजेस, तो मुझे ज्यादा क्या मिलनी चाहिए, वेजेस मिलने चाहिए. स्टूडेंट का भी एक गोल होता है कि दिस ईयर आई शुड बी गेट द गुड मार्क्स, इस साल में मुझे बहुत अच्छे क्या मिलने चाहिए, मार्क्स मिलने चाहिए. हर एक गर्ल्स का भी एक ओपिनियन होता है कि आई शुड बी गेट द फ्रीडम, आई शुड बी हैव सिक्योर इन द सोसाइटी, मैं समाज में मैं क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए. एवरीवन शुड बी गिव द रिस्पेक्ट टू मी, मुझे हर एक ने क्या देना चाहिए, एक रिस्पेक्ट देना चाहिए. तो इस प्रकार की टेंडेंसी साइकोलॉजी आज हमारे समाज में है. तो इसका भी डॉक्टर का भी कुछ गेम है, क्या आई शुड बी गिव अ प्रॉपर ट्रीटमेंट टू माय पेशेंट एंड दैट पेशेंट शुड बी गिव मी द मोर इनकम टू मी मनी. इंजीनियर, तो लाइक दैट सेम कंडीशन, डिफरेंट पीपल हैव अ डिफरेंट गोल इन द लाइफ. चलो रूरल पीपल भी, उनका भी एक डेवलपमेंट की एक कंसेप्ट होती है कि आई शुड बी गेट द वेजेस एंड गुड वेजेस एंड गुड सैलरी एंड आई शुड बी गेट द गुड वर्क, आई शुड बी सिक्योर, आई शुड बी गेट रिस्पेक्ट. तो दैट इज द थिंकिंग ऑफ देम. तो अर्बन पीपल का भी एक डेवलपमेंट का एक अलग सा तरीका है. तो चलो फ्रेंड, इस प्रकार से हर एक पर्सन टू पर्सन पीपल का गोल क्या है, डिफरेंट है. तो आपको क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ रूरल पीपल इन दिस वर्ल्ड? तो रूरल पीपल की क्या एक्सपेक्टेशन है, अर्बन पीपल की क्या एक्सपेक्टेशन है, या आप बुक्स में अच्छे से पढ़ लो. डेवलपमेंट इज डिपेंड ऑन, चलो डेवलपमेंट काय काय के ऊपर डिपेंड होती है. तो हर एक की एक टू कॉन्सेप्ट होते हैं, मटेरियल थिंग्स एंड नॉन मटेरियल थिंग्स. किस लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे मटेरियल थिंग्स मिल गई मतलब आई एम गोइंग टू डेवलप, मैं डेवलप्ड हूं, और किसको लगता है नॉन मटेरियल थिंग्स मिल गई मतलब डेवलप? तो नहीं, दोनों चीजें मिलने चाहिए, देन वी विल बी कॉल्ड हिम अ डेवलप्ड पर्सन, देन वी कॉल दैट कंट्री द डेवलपमेंट. बराबर. तो कौन कौन सी मटेरियल थिंग्स में कौन कौन से आते हैं? मेरे पास अच्छे से मकान होने चाहिए, हर एक पर्सन के पास मनी होना चाहिए, कार होनी चाहिए, तो ये हो गई मटेरियल थिंग्स. लेकिन मुझे यदि नॉन मटेरियल थिंग्स नहीं मिल रही है और यदि मेरे पास ट्रिमेंडस भी है तो कोई फायदा नहीं उसका. फॉर एग्जाम्पल, क्या भी होना चाहिए, मैं सिक्योर होना चाहिए, लिबर्टी होना चाहिए, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी होना चाहिए. देखो, एजुकेशन यदि आपके पास है तो ऑब्वियसली यू विल टेक केयर ऑफ द सेल्फ, यू विल बी अर्न द मोर एंड मोर, यू हैव द रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, यू विल गेट द फ्रीडम, यू शुड हैव नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द लाइफ. देन फ्रेंड, इन दिस वे यू शुड बी कीप योर हेल्थ गुड. बराबर, यू शुड हैव टेक अ प्रिकॉशन. तो ये बहुत सारी चीजें हमारी आती है. तो दोनों चीजें महत्वपूर्ण है डेवलपमेंट के लिए. कुछ चीजें हैं मटेरियल थिंग्स और कुछ चीजें हैं नॉन मटेरियल थिंग्स.
देखो फ्रेंड, ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। हमने डेफिनेशन देख लिया और पीपल टू पीपल का इस प्रकार से गोल डिफरेंट होता है ये देख लिया। रूरल पीपल की क्या एक्सपेक्टेशन होती है, सिटी पीपल की क्या एक्सपेक्टेशन होती है डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, ये भी देख लिया। और डेवलपमेंट किस प्रकार से कौन से दो चीजों के ऊपर डिपेंड होता है, एक मटेरियल थिंग्स और नॉन मटेरियल थिंग्स, हमने पार्ट फर्स्ट में देखा। पार्ट सेकंड में हम क्या करेंगे, कंपेरेटिव स्टडी करेंगे, कंपेरिजन बिटवीन द टू कंट्रीज और टू स्टेट्स और टू पीपल रिगार्डिंग द डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट किस प्रकार से होती है। चलो देखते हैं कंट्रीज का, कंट्रीज की डेवलपमेंट कैसे देखी जाती है, वन कंट्रीज कंपेयर टू द अनदर कंट्री। जैसे इंडिया पाकिस्तान, इंडिया श्रीलंका, बराबर, ये हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। अभी कोरोना का समय है तो कंपैरिजन चालू है चाइना और अमेरिका के बीच में। तो इस प्रकार से दो रिच कंट्रियों का कंपैरिजन हमेशा होता है। कंपैरिजन देखो सम थिंग्स में, मतलब सेम हमारे में से जो कंपेयर होगा, कंपेरेबल होगा हमसे, उससे हम कंपेयर करते हैं। तो लाइक दैट सेम कंडीशन कंट्री की डेवलपमेंट कैसी होती है, डिपेंड ऑन इनकम, काय के ऊपर डिपेंड होती है, इनकम के ऊपर। ज्यादा फोकस कंट्रियों के रिगार्डिंग इनकम के ऊपर दिया जाता है। यदि एक खाद्य कंट्री की इनकम ट्रिमेंडस है तो वी विल कॉल इट द डेवलप्ड कंट्री। यदि किसी कंट्री की एकदम लो इनकम है तो हम बोल देंगे अनडेवलप्ड कंट्रीज, और किसी की एक मीडियम है तो हम बोलेंगे डेवलपिंग कंट्रीज। देखो डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज एंड अनडेवलप्ड कंट्रीज, ये अपने देखा है। चलो देखते हैं तो कैसे निकालते हैं। तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी है, डॉलर 1570, बराबर ये 2013 में है। तो ये देखो आप पेज नंबर आ जाओ तुम 8 पे, तो पेज नंबर 8 में मैं भी खोलता हूं, आप भी खोलिए, आप देखिए उसमें क्या दिया है, पेज नंबर 8। हाँ तो चलो पेज नंबर 8 पे क्या दिया है, पेज नंबर 8 पे वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला है, चलो देखते हैं वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला है। पेज नंबर 8 पे वर्ल्ड बैंक कहती है, वी कंपेयर एवरेज इनकम विच इज अ टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाई इट्स टोटल पॉपुलेशन एंड एवरेज इनकम इज बिकल पर कैपिटा इनकम, ये कहता है वर्ल्ड बैंक। क्या कहती है देखो, यदि 2013 में ऐसा कहा है, कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम डॉलर 12,736 पर एनम, एनम का मतलब होता है पर ईयर एंड अबव, तो दैट कंट्री इज कॉल्ड द रिच कंट्री। क्या बोला मैंने, एक बार ध्यान में रखना है, यदि एक आधे कंट्री का डॉलर 12,000 कितना 736 इतना यदि पर पर्सन का इनकम है, पर कैपिटा का इनकम एक आधे कंट्री का है, तो रिच कंट्री में माना जाता है। कौन से कंट्री में माना जाता है, एकदम रिच डेवलप्ड कंट्री में माना जाता है। ये किसने कहा है, और एक बार बोलता हूं, वर्ल्ड बैंक ने कहा है पेज नंबर 8 पे। देखो दूसरा कहा है, यदि तुम्हारा इनकम 1045 यदि आ रहा है या उसके नीचे जा रहा है, तो आप पुअर कंट्री हो या लो इनकम कंट्री हो, समझ में आया। और यदि तुम्हारा इनकम, हमारा जो इंडिया है वो 1570 है, मतलब वो कौन से कंट्री में आता, तो डेवलपिंग कंट्री में आता। काय में आता, डेवलपिंग, इट इज नॉट फुल्ली डेवलप्ड, नॉट अनडेवलप्ड, बट इट इज गोइंग टू डेवलप, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द डेवलपिंग कंट्री। तो इस प्रकार से ये स्टडी किसने किया है, वर्ल्ड बैंक ने। आपको क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ वर्ल्ड बैंक, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक रिगार्डिंग द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कौन कौन से उसने किया है, तो ये आपको बताना है वहां पे। ओके, यूएनडीपी, यूएनडीपी क्या कहता है, हेल्थ महत्वपूर्ण है, एजुकेशन महत्वपूर्ण है, पर कैपिटा महत्वपूर्ण है, ऐसा कौन कहता है, यूएनडीपी कहता है। यूएनडीपी का कहना बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड, और रिगार्डिंग दिस हम लोगों ने भी उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। आपको क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मीन बाय यूएनडीपी, लॉन्ग फॉर्म बताओ, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये उसका क्या है, लॉन्ग फॉर्म है। चलो देखते हैं यूएनडीपी क्या कहता है। यूएनडीपी कंसिडर हेल्थ, एजुकेशन लेवल एंड पर कैपिटा इनकम ऑफ द सिटीजन एज अ इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। वो काय का इंडिकेटर है, यदि ऐसा तुम्हारे पास है, क्या क्या है, हेल्थ केयर अच्छे सेंटर है, एजुकेशन फैसिलिटी मस्त है, पर कैपिटा इनकम अच्छा है, तो योर कंट्री इज डेवलप्ड। देखो हर एक की थिंकिंग अलग अलग है। वर्ल्ड बैंक की थिंकिंग ने पर कैपिटा इनकम ऐसा है तो रिच है,
यूएनडीपी ने कहा यदि तुम्हारे पास हेल्थ केयर सेंटर है, एजुकेशन अच्छा है, पर कैपिटल इनकम अच्छा है तो यू आर गोइंग टू डेवलप, तो हम डेवलप्ड है। ऐसा कंपेयरिंग डिफरेंट स्टेट्स का हम करते हैं थोड़ा सा। तो फ्रेंड आप आ जाओ पेज नंबर 13 पे आ जाओ, तो आपको थोड़ा सा मैं कंपेरिजन बता देता हूं। पेज नंबर 13 पे आ जाओ, आगे 13 पे। ओके तो चलो देखते हैं श्रीलंका, कंपेयरिंग डिफरेंट स्टेट्स एंड कंट्रीज एंड डिफरेंट इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। चलो देखते हैं क्या क्या है। तो पहले देखते हैं अपन पेज नंबर 13 पे ना आते हुए पहले आ जाओ तुम पेज नंबर 10 पे, पेज नंबर 10 पे आ जाओ। ओके चलो देखते हैं क्या क्या है 10 पे। तो 10 पे ऐसा दिया है कि पर कैपिटा इनकम स्टेट्स के बारे में बोला है, पहले तीन स्टेट का कंपेरिजन किया है, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार, चार का। सबसे हाई इनकम था हरियाणा का 2012-13 में, सॉरी 13-14 में हरियाणा का था 1,62,000 पर कैपिटा इनकम था, तो वो सबसे रिच स्टेट कहलाया। और बिहार का एकदम लो था 27,200 और इसलिए वो लो इनकम कंट्री कहा गया। उसके बाद में अपन देखते हैं पेज नंबर 10 पे आ जाओ तुम, वहां पे दिया है कंपेयरिंग डिफरेंट स्टेट्स और कंट्री कैसे किया जाता है। तो पहली बात इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, अभी आप देखेंगे व्हाट इज बाय इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ये 100% क्वेश्चन हमको आता है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी IMR बोलते हैं उसको, उसका मतलब है इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 100 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। मतलब एक साल में 100 यदि बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें से कितने बच्चे तुम्हारे बचते हैं तो उसके ऊपर या मरते हैं, यानी एक साल के अंदर कितने बच्चे उसमें से मर जाते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल 100 बच्चे यदि पैदा हो गए और उसमें से यदि 40 बच्चे मर गए तो मुझे बताओ तुम्हारा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बहुत हाई हुआ, मतलब तुम डेवलप्ड नहीं हो। और यदि 100 में से सिर्फ 10 बच्चे मर रहे हैं बराबर 10% और बाकी के 90 बच रहे हैं तो तुम समझ लेना इन्फेंट रेट तुम्हारा कम है, तुम गोइंग टू तुम्हारा कंट्री डेवलप्ड है। समझ में आया? तो इन्फेंट रेट के ऊपर डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहली बात कंपैरिजन किया है पेज नंबर 10 पे, आप देख लो वहां पे इन्फेंट रेट देखो दिया है पहली बात, उसको बोलते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। चलो देखते हैं तीनों के, यहां पे तीन दिए हैं महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार। महाराष्ट्र का इन्फेंट रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट था 25, मतलब 100 बच्चों, 2012 की बात चल रही है। ओके तो वहां पे था 25, केरला का था इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट 12 और बिहार का था 43। अब इमेजिनेशन कीजिए आप, सबसे ज्यादा बिहार का है इन्फेंट मॉर्टेलिटी एंड 43 बच्चे वही के वही मर जाते हैं, महाराष्ट्र में 25 बच्चे मर जाते हैं। मतलब सबसे यदि हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है तो बिहार का है, मतलब वो डेवलप्ड कंट्री नहीं है, डेवलप्ड स्टेट नहीं है बराबर। बिहार महाराष्ट्र का है 25, तो 25 है मतलब बहुत ज्यादा बच्चे वहां पे मर रहे हैं, मतलब वो मिडल मीडियम में आ जाता है। और रिच यदि कौन सा कंट्री स्टेट है तो यह है केरला, क्योंकि वहां पे सिर्फ 12 बच्चे ही मरते हैं 100 में से। ये हो गया इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। दूसरी बात बोलेंगे अपन लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट मतलब समझता क्या आपको, व्हाट इज, इसकी भी डेफिनेशन आएंगे आपको, डेफिनेशन 100% ध्यान में रखना। इन्फेंट मॉर्टेलिटी, व्हाट इज इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट एंड एक्सप्लेन द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इन द स्टेट्स। तो आपको ये बात 3 मार्क का क्वेश्चन में एक्सप्लेन करते हैं पड़ता है। ओके दूसरी बात पूछेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिटरेसी, व्हाट इज बाय लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट मतलब मेजर ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 और अबव द एज ग्रुप, मतलब 7 साल के ऊपर के लोग कितने पढ़े लिखे हैं। इफ यू कैन रीड एंड राइट यू आर लिटरेट, कैलकुलेट दैट इज यू आर लिटरेट। तो आप कितने लिटरेट और कितने इलिटरेट है, मतलब 100 में से यदि आपके यहाँ पे 40 या 60 लोग या 80% लोग लिटरेट है, मतलब आप डेवलप्ड हो, सिर्फ 20% हो तो आप अनडेवलप्ड हो रिगार्डिंग दिस। चलो देखते हैं लिटरेसी रेट क्या था 2011 का बता रहा हूं, बुक्स में हर एक का बुक्स डिफरेंट है तो आप दूसरे सोर्स बुक में अलग हो सकता है, यहां पे 2011 की बात बताई है तो इसलिए मैं वही बताता हूं आपको। 82 महाराष्ट्र का, मतलब महाराष्ट्र में 82 लोग लिटरेट है, कंपेयर टू केरला में देखा जाए तो 94% लिटरेट है, लिटरेट रेट है, लिटरेसी रेट है। और बिहार में 62, तो सबसे लो मतलब बिहार है, पुअर है, महाराष्ट्र 82 है मतलब मीडियम है,
और सबसे हाई है लिटरेसी रेट केरला का, 94% लोग वहाँ के लिटरेट है, और अभी का तो बहुत ही मतलब 100% भी हो सकता है, बराबर। और लास्ट में बताया गया फ्रेंड नेट अटेंडेंस रेशो, व्हाट आई मीन बाय नेट अटेंडेंस रेशो उसके बारे में अपन देखते हैं, उसका डेफिनेशन ध्यान में रखना। इट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज ग्रुप अंडर 14 to 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल, मतलब कितने बच्चे 14 टू 15 में अटेंड कर रहे हैं स्कूल, मतलब कितने जा रहे हैं, इसके भी ऊपर सब कुछ रहता है। और आगे का है दूसरा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसको बोलता है HDI। हाँ तो फ्रेंड अपन ने देखा कि कंपेयरिंग डिफरेंट स्टेट्स में या कंट्रीज में कौन कौन सी टर्म्स महत्वपूर्ण है। तो पहली टर्म्स मैंने देखा बताया आपको इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, सेकंड टर्म मैंने बताई आपको लिटरेसी रेट, थर्ड टर्म मैंने आपको बताई नेट अटेंडेंस रेशो, फोर्थ टर्म मैं आपको बता रहा हूं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब उसको बोलते हैं SDI। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है आपको, व्हाट इज मीन बाय SDI, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन एन एग्जांपल। तो देखो इंडिया की लेंथ ऑफ लाइफ, मतलब हमारे इंडिया के लोग कितने साल जिंदगी जीते हैं उसको बोलते हैं SDI। हमारे 68 ईयर्स हमारी लेंथ ऑफ लाइफ है। चलो यदि 180 कंट्रियों में इसके यदि कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया की जो रैंक है वो 130 आती है, आप पेज नंबर 13 पे देख सकते हो। उसके लिए और एक पॉइंट महत्वपूर्ण है कंपेयरिंग करने में, अवेलेबल फैसिलिटीज, तुम्हारे कंट्री में फैसिलिटीज अवेलेबल है या नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट। तो कौन कौन सी फैसिलिटी है, तो एजुकेशन और हेल्थ, जिस कंट्री में ये दोनों फैसिलिटी है वो जबरदस्त है, जिस स्टेट में है वो जबरदस्त है। फॉर एग्जाम्पल केरला में बहुत अच्छी है, दैट्स वाई वहां पे डिसीजेस बहुत कम है, जगह जगह पे हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, एंड दैट्स वाई वो बहुत डेवलप्ड है। और कंपेयर टू एजुकेटेड लिटरेट पीपल हमेशा डेवलपमेंट करता है, आपको पता है, एंड टेक केयर ऑफ द हेल्थ। चलो देखते हैं उसके बाद में अपन देखते हैं बॉडी मास इंडेक्स, ये क्वेश्चन आता नहीं इतना बट कंपेयरली थोड़ा सा स्टडी कर लो। बॉडी मास इंडेक्स मतलब BMI, आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज मीन बाय BMI, इट इज अ मेजर ऑफ द बॉडी फैट बेस्ड ऑन हाइट एंड वेट दैट अप्लाइज टू एडल्ट मेन एंड वुमेन, मतलब एखादे आदमी की हाइट और उसका वेट यदि कंपेयर कर डाला तो बराबर आपको BMI मिल जाता है। फॉर एग्जांपल इमेजिनेशन करो वेट, BMI इज इक्वल टू वेट, मतलब वो किलो में होगा, बराबर डिवाइडेड बाय हाइट मेजर स्क्वायर, बराबर यदि उसमें बराबर किया तो आपको बराबर BMI मिल जाता है। किसी का BMI यदि अच्छा है कंपेरेटिवली मीडियम होना चाहिए, एकदम भी वीक नहीं होना चाहिए और एकदम भी हेल्दी भी नहीं होना चाहिए, बराबर एकदम भी क्या बोलते फैटी नहीं होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, तो BMI हेल्दी होना चाहिए। तो आगे का पॉइंट है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपको पूछा जाएगा व्हाट इज माय डेवलपमेंट, तो आपको भाई ने बताया बट व्हाट इज माय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट तो होनी चाहिए बट डेवलपमेंट के कारण इन्वायरमेंट को हानि भी ना पहुंचे, इट शुड नॉट बी डैमेजिंग द एनी काइंड ऑफ इन्वायरमेंट टू द इन्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आवश्यक है क्या, वेरियस मेजर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए कौन कौन से मेजर्स है, चलो दिखाते मैं आपको बताता। पहला मेजर है कंट्रोलिंग ओवर यूजेस एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस टू प्रोवाइड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में लोगों में अवेयरनेस करना या कंट्री में अवेयरनेस करना या स्टेट में अवेयरनेस करना, यह सबसे महत्वपूर्ण काम है। दूसरा है ओवर यूज ना करें। थर्ड है इंक्रीज यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ऐसे रिसोर्सेस का यूज करो डेवलपमेंट करने के लिए, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करने के लिए, लेकिन वो ऐसे यूज करो कि जो रिन्यूएबल हो, नॉन रिन्यूएबल जरा कम यूज करो ताकि वी विल बी पुट इट फॉर द फ्यूचर जनरेशन, हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ बचा के रखें। थर्ड है लेस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल बहुत कम यूज करो ताकि वो रिन्यूएबल नहीं है, नॉन रिन्यूएबल है। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, और खेती भी करना है तो केमिकल मत करो, ऑर्गेनिक करो, उससे हेल्थ अच्छी रहती है, थोड़ा सा इनकम कम होता है, आई एग्री विद दैट,
बट हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, डिसीजेस कम होते हैं, मतलब प्रॉब्लम इकोनॉमिक को अपने कम होते हैं. तो लाइक दैट सेम अडॉप्टिंग मेजर ऑफ रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, सबसे महत्वपूर्ण बात, ग्लोबल वार्मिंग को हमने कम करना चाहिए. ये हो गया वेरियस मेजर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज द वेरियस मेजर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये पांच पॉइंट मैंने आपको बताया, आपको उसको एक्सप्लेन करके बताना, फाइव मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. आपको क्वेश्चन आएगा व्हाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, क्यों? तो बिकॉज, चलो मैं कुछ रीजन बताता हूं उसके. इन्वायरमेंट मस्ट बी कन्वर्स व्हाइल डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस. जो जब डेवलपमेंट होती है तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट रिड्यूस होता है या अच्छा नहीं होता है, यानी उसके ऊपर बुरा इफेक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो उतना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, ऐसा. रिसोर्सेज मस्ट बी यूज इन सच अ वे दैट समथिंग इज कंजर्व फॉर अ फ्यूचर जनरेशन. ऐसे यूज करो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो क्या हुए, कंजर्व हो, ऐसा. लास्ट में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल मस्ट बी रेज. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाओ बट थिंक ऑफ द अदर्स ऑल्सो, दूसरों का भी जरा थोड़ा सा सोचो. महात्मा गांधी जी ने एक सेंटेंस मुझे आज भी याद है उसका, द अर्थ हैज इनफ रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल. यानी हमारे अर्थ के ऊपर इतने इनफ है नीड्स हमारी कंप्लीट करने के लिए, इतने रिसोर्स अवेलेबल है बट नॉट इनफ टू कंप्लीट और सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड और ग्रीड. यानी आदमी की ग्रीड कंप्लीट करे इतने अवेलेबल नहीं है, लेकिन नीड कंप्लीट करे इतने 100% अवेलेबल है. तो इस प्रकार से यहां पे हमारा पहला चैप्टर खत्म हुआ जिसका नाम था डेवलपमेंट. देखो फ्रेंड, हमने ए चैप्टर को तीन टॉपिक में डिवाइड किया है. मैंने एक्सप्लेन करते समय आपको बोला भी था कि चलो पहला जो टॉपिक था मैंने रिगार्डिंग डेवलपमेंट बोला कि डेवलपमेंट क्या है वगैरह वगैरह, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया. सेकंड टॉपिक में पब्लिक फैसिलिटी क्या होनी चाहिए डेवलपमेंट कंट्री के लिए, ये मैंने बताया. थर्ड में मैंने बोला सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. ओके, इस प्रकार से टोटली तीन टॉपिक में मैंने आपको डिवाइड करके दिया है. तो इस प्रकार से ये लेसन मेरा यहाँ पे खत्म हुआ. रिगार्डिंग दिस, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम प्लीज आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स, बराबर. और यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा. थैंक यू वेरी मच.